Hey guys, this is Monica. You are watching me on Pop Bollywood. Guys, मैं आपको आज बता दूँ सबसे पहले कि आज first look यानी कि first look आया रितेश देशमुख और सयामी खेर का. जी हाँ, ये लोग मराठी मूवी माहौली कर रहे हैं. माहौली की हाइप काफ़ी पहले से हम सुनते आ रहे थे कि रितेश देशमुख कोई मूवी को खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें एज इन स्टार भी होंगे और प्रोड्यूसर भी होंगे. लेकिन उसका सिर्फ फर्स्ट लुक हमने तभी देखा था, लेकिन मैं आज आपको बता दूँ उसका फर्स्ट पोस्टर आ गया और फाइनली ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया. Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. रितेश देशमुख के साथ इसमें बॉलीवुड की गॉर्जियस दीवा एक्ट्रेस सयामी खेर नजर आएंगी. लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि रितेश देशमुख ने इसके पहले मराठी मूवी जो हमने लयभारी की थी, जिसमें माउली सॉन्ग था, वो लयभारी मूवी काफ़ी फेमस हुई थी, काफ़ी हाइप उसका था और उसने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा कलेक्शन कमाया था. लयभारी ये जो मूवी थी, ये सबको पता है, एक्शन ड्रामा मूवी है जो रिलीज हुई थी ईयर 2014 में. और इसमें आपको साथ में मूवी में नजर आते कैमियो में सलमान खान और जनीलिया देशमुख. जी हाँ, जनीलिया डिसूजा ने काफ़ी अच्छा इसमें छोटा सा कैमियो किया था. वो रितेश की वाइफ थी तो ऑब्वियसली मूवी में उनका एक कैमियो तो बनता था. और साथ में सलमान खान रितेश देशमुख के बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, ये तो हम सब जानते थे, आर वेरी गुड फ्रेंड्स. तो इसमें सलमान की भी एक छोटी सी कैमियो थी. लेकिन लयभारी को इतना लोगों ने पसंद किया, काफ़ी मूवी को क्रिटिकली भी काफ़ी लोगों ने तारीफ किया, ओवरऑल भी कमर्शियल सिनेमा इसे माना गया था. और उस वेल ये 2014 की बात है, उसके बाद भी रितेश देशमुख की आई मूवी काफ़ी बैंजो आई. देन अब जो मैं आपको बता रही हूँ आज, जी हाँ, माउली इसके लिए काफ़ी टाइम से लोग वेट कर रहे थे कि कब इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा और आज इसका फाइनली ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है. पहले अब देखना ये कि क्या इसमें वापस से जेनेलिया देशमुख और इसमें सलमान खान फिर से नजर आएंगे कि नहीं. तो गाइस, आपको क्या लगता है? और सयामी खेर के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि सयामी खेर की ये फर्स्ट मराठी डेब्यू है. जी हाँ, इसके पहले उन्होंने बॉलीवुड में एक ही मूवी की थी जिसका नाम था मिर्जिया, जो सोनम कपूर के भाई हर्षवर्धन कपूर के साथ उन्होंने डेब्यू की थी. पर वो मूवी तो बॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस पे इतना नहीं चली, लेकिन क्रिटिकली एक्लेम काफ़ी मिला सयामी खेर को, उनकी एक्टिंग की काफ़ी तारीफ हुई. भले वो कमर्शियली सक्सेस ना थी, बट क्रिटिकली काफ़ी सक्सेसफुल हुई थी. एंड उसके बाद सयामी काफ़ी समय से वो नज़र नहीं आ रही थी कि व्हाट शी इज़ डूइंग, किसी को कुछ पता नहीं था. लेकिन आज जो ये धमाका हुआ है कि दैट सयामी इज़ डूइंग फर्स्ट मराठी मूवी, फर्स्ट डेब्यू शी इज़ डूइंग इन मराठी वर्ल्ड. सो गाइज, आपको क्या लगता है? और अगर आपने अब तक उनका लुक नहीं देखा रहेगा तो ये रहा लुक, आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे. सो जस्ट हैव अ लुक एंड आप बताइए हमें कि आपको ये कैसा लगा इसका फर्स्ट पोस्टर, और रितेश और सयामी की किस तरीके से केमिस्ट्री आपको नजर आएगी. वेल, सयामी को लोग लावणी और लटके झटके में देखने, महाराष्ट्र गेटअप में देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है. तो आप कितने एक्साइटेड हो ये भी आप हमें बता सकते हो. आपके सारे ओपिनियंस बहुत मैटर करता है. सो गाइज, वॉट एवर यू थिंक आप हमें बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल. And also for all the latest gossip and updates, just keep watching Pop Bollywood because it's your channel. Till then, have a great day guys. Bye.